कल्याणपुर से अपहरण मासूम को पुलिस ने आरोपी समेत बिठूर से दबोचा। बिठूर थाना की पीआरवी की तत्परता से बच्चा सकुशल हुआ बरामद। बच्चे की सकुशल बरामदगी से परिजनों के खिले चेहरे। संदिग्ध युवक की सूचना पर कुरसौली रोड मंधना से आरोपी को दौड़ा कर पकड़ा। मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीआरवी में तैनात निखिल कुमार, उदय प्रताप व राजेश सिंह की लोगों ने की जमकर प्रशंसा। थाना क्षेत्र में पुराने सोली रोड से कल रात लगभग 9 बजे एक 3 वर्षीय बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। किडनैपिंग करके फिरौती मांगने की प्लानिंग थी। पुलिस ने बहुत ही तत्परता के साथ विद इन 2 आवर्स बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बच्चा रात के समक्ष है अपने परिजनों के साथ। बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द किया गया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और फिरौती मांगने का जो मोडस ऑपरेंडी था उनका मोबाइल इस्तेमाल न करने का था। इस बार इन लोगों ने चिट्ठी भेज करके फिरौती मांगने का प्रयास किया था। अभियुक्तों के कब्जे से उनकी हस्तलेख में लिखा हुआ फिरौती मांगने वाला पत्र जो परिजनों को मिला था बरामद हुआ है। 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके उनको न्यायिक अनुरक्षा में भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह से पुलिस ने इनको पकड़ा, क्या क्लू हाथ लगा था? एक बच्चे की जो किडनैपिंग हुई है उनके परिजन के पहले से पूर्व परिचित एक लड़का जो पड़ोस में रहता था आदित्य नाम का, उसने पूरी योजना बनाई थी और उसी ने बच्चे को गुड फेथ में लेकर के किडनैप किया और एक दूसरे अपने साथी सैलिन नाम के व्यक्ति को हैंडओवर किया था। और सैलिन जिस बच्चे को लेकर के मंधना रोड के पास जा रहा था और वहाँ से एक बाग में बच्चे को छिपाने की प्लानिंग थी और वहीं से फिरौती का पत्र भेजा गया था। तो उसने अपने परिजनों को किसी परिचित को फोन करके बताया कि इस यहाँ पर आ जाओ, मैं अपनी बहन को लेकर के आया हूँ, उसको घर भेजना है। जब मौके पर व्यक्ति पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि एक बालक उसकी कस्टडी में है। उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पीआरबी 411 मौके पर पहुंची और वहीं से उन्होंने बच्चे को बरामद किया और एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के थाना कल्याणपुर को सुपुर्द किया। सर, जो पत्र भिजवाया गया है वो क्या कहाँ पे भिजवाया गया था और किस तरीके से? एक पत्र 3 पेज का पत्र है। अभियुक्तों ने फिरौती मांगने के लिए उसको घर भेजा था। एक पत्र को पुलिस ने बरामद किया है, मौजूद है। क्या लग रहा है घटना के पीछे और किसी का भी हाथ है? पूरी जांच पड़ताल कर ली गई है। अभियुक्तों से पूछताछ कर ली गई है। इस पूरी घटनाक्रम में 2 अभियुक्त शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये